देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर बोली शीला दीक्षित, इसका फैसला राहुल गांधी करेंगे। सांसद अखिलेश सिंह बोले 28 मार्च को कांग्रेस का हाथ थामेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। लोकसभा 2019 शुरुआती दो चरणों के लिए बीजेपी ने जारी की 42 स्टार प्रचारकों की सूची। शीला दीक्षित बोली कांग्रेस सरकार में आई तो गरीबों को देंगे 6000। दिल्ली के शाहीनबाग की 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 2 की मौत। बेटे बेटी को तीसरी मंजिल से धक्का देकर कूदी महिला, पुलिस ने किया मामला दर्ज। 1 अप्रैल से कांग्रेस की साइकिल रैली करेगी हर दिन 2 विधानसभा की यात्रा। ग्रेटर नोएडा में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर मौजूद 6 फायर टेंडर। घर में जबरन घुसे छात्रों को जेएनयू के कुलपति ने किया माफ, कहा नहीं करूंगा पुलिस में शिकायत। आपसे गठबंधन पर आज अंतिम फैसला लेंगे राहुल, पीसी चाको बोले बीजेपी को हराने के लिए आना होगा साथ। दिल्ली से घूमने गया था शिमला, लापता हुआ युवक रेस्क्यू टीम ने ढूंढ निकाला। राम के सहारे माया का घर बना था भाजपा का गढ़, गठबंधन से रोचक हुआ मुकाबला। पड़पड़गंज की चुनावी रैली में बोले केजरीवाल, बचे काम अब पूर्ण राज्य मिलने पर। पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी आप, मनीष सिसोदिया बोले। शिरोमणि अकाली दल से चल रही थी बातचीत। फिरोज शाह कोटला मैदान में आईपीएल T20 क्रिकेट मैच, आज यातायात में किए गए बदलाव। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के रिश्तेदार का हत्यारोपी धरा, दिल्ली के बटला हाउस में छिपकर रहा था। जेएनयू में छात्रों का बवाल, कुलपति की पत्नी को बनाया बंधक। डॉक्टर जी श्रीकांत रेड्डी को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेडियो साइंस ने दिया सम्मान। मंदिर में प्रेमी युगल के हत्यारे के बारे में चौंकाने वाला खुलासा, 7 गोली मारने पर भी नहीं हिचकिचाया युवक। एम्स ट्रामा सेंटर 1 महीने तक रह सकता है बाधित, नए मरीजों को नहीं किया जा रहा भर्ती। दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।